तो सलाम नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। दीपावली बीत गया, भाई दूज भी बीत गया। आज मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो फटाफट आप लोगों के लिए बना लूं, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दीपावली में हमने बहुत सारी मिठाइयां खाई हैं, दीपावली में हम सोए भी ठीक से नहीं है, इंजॉय भी बहुत किया, स्ट्रेस लेवल भी था, काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा था। तो मैं पोस्ट दीपावली जो एक डिटॉक्स होता है वो छोटा सा एक वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें मैं आज आपको बताने वाली हूं कि कैसे अपकमिंग 3 दिन तक, जैसे कि आज 18 तारीख है तो आप 19, 20 और 21 कर सकते हैं, 18, 19, 20 कर सकते हैं। 3 दिन तक अगर इस डिटॉक्स डाइट को फॉलो करेंगे तो बॉडी में जो कुछ भी टॉक्सिन्स बनी होंगी, जो कुछ भी निगेटिव चीजें बनी होंगी, वो इमीडिएटली आपके बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा। अगर आप शुगर, बीपी या एनी टाइप ऑफ क्रॉनिक डिजीज के पेशेंट हैं तो आपके लिए ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ध्यान से सुनिए, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं एक दो चीजें आपको क्लियर कर देना चाहती हूं, वो ये कि जो डाइट मैं बताने वाली हूं बहुत स्पेसिफिक है, मेरा प्रोफेशन न्यूट्रिशनिस्ट का है और इसीलिए मैं ये डाइट आपको सजेस्ट कर रही हूं। इसमें किसी डॉक्टर से आपको सलाह लेने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बेसिक, बहुत ही बेसिक डाइट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले, कोई भी ऐसा डाइट जिसमें कि आपको बोला जाए कि आपको डिटॉक्स डाइट है और 3 से 4 दिन तक क्या नहीं करना है, कि आप सिर्फ सैलेड खा के रहो, आप सिर्फ सूप पियो, या पूरे दिन आप स्मूदीज खा के रहो, कोई भी डाइट, या स्टार्वेशन में चले जाओ, 3 दिन तक कुछ भी नहीं पियो, खाली जूस जूस पीकर या पानी पानी पीकर रहो, इस तरह का किसी भी डाइट को प्लीज कभी भी फॉलो मत कीजिएगा। क्योंकि और खाने के बाद गिल्ट भी कभी फील मत कीजिएगा कि मैंने इतना मिठाई खा लिया, मैंने इतना तला भुना खा लिया। जो खा लिया खा लिया, कोई बात नहीं, शरीर में चला गया। अब हमें देखना है कि फर्दर हम इसको मेंटेन कैसे करें और ठीक कैसे करें। तो जो सुबह उठते ही आपको सबसे पहले जो लेना है वो लेना है 1 ग्लास गर्म पानी, गुनगुना से थोड़ा सा ज्यादा पानी, उसमें पिंच ऑफ सोंठ डालना है, ड्राई जिंजर, और उसके साथ 1 चम्मच फ्लैक्स सीड, और उसके साथ आपको लेना है, और उसके साथ आपको लेना है 1 पीस, सिर्फ 1 पीस गार्लिक का। और ये उसके लेने के आधे घंटे के बाद आपको फिर लेना है कोई एक फ्रूट। फ्रूट आप कोई सा भी ले सकते हैं, जो सीजन का फ्रूट है वो लीजिए। जिनको डायबिटीज है वो बनाना नहीं ले सकते, बाकी सभी लोग बनाना भी ले सकते हैं। उसके साथ 2 या 3 मुनक्का आप रात में, 1 रात पहले भिगो दें। मेरा जो वीडियो है उस वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने बताया हुआ है कि मुनक्का रात को भिगो के सुबह कैसे बनाते हैं, यूरिक एसिड वाले मेरे वीडियो में। तो आप उस मुनक्का को रात में भिगोएं, सुबह मुनक्का का बीज निकालें और उसको अच्छे से मैश कर लें पानी में, और 1 ग्लास पानी वो ले लें, और उसके साथ वो फ्रूट आप ले लें। आप उसके बाद ब्रेकफास्ट पे आते हैं। तो ब्रेकफास्ट के टाइम में सबसे पहले आपको एक वेजिटेबल जूस बनाना है, जिसमें कि डालना है पुदीना, धनिया, पालक, जिंजर और लेमन। तो 1 ग्लास आप इसका जूस बना लें, मिक्सी में पीस लें और इसका एक जूस बना लें। तो 1 ये हो गया। इसके साथ आप ले सकते हैं 1/2 कटोरी पोहा, पोहा में बहुत सारा वेजिटेबल डाला हुआ है, और 1/2 कटोरी कर्ड, 1 ये हो गया। सेकेंड ऑप्शन इसके जगह पे आप ये ले सकते हैं कि 1/2 कटोरी पोटैटो का सैलेड, उसके साथ बहुत सारा वेजिटेबल, दूसरा ये ले सकते हैं। तो डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो प्लीज पोटैटो न लें, उसके जगह पे वो नट्स ले सकते हैं। और तीसरा जो आपको लेना है वो लेना है 1 कटोरी कर्ड, उसके साथ 1 फ्रूट, और कर्ड में आपको थोड़ा सा सिनेमन डालना है। तो हमारा ब्रेकफास्ट फिनिश हो गया। फिर हो गया कि 11-12 बजे जब थोड़ा सा भूख लगता है, वैसे टाइम में आप क्या लें, तो वैसे टाइम में आप नारियल पानी ले सकते हैं, कुछ लोग ग्रीन टी ले सकते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा मूंगफली जो है वो अभी आप थोड़ा सा ले सकते हैं। आते हैं तो लंच में आपको क्या लेना है, आप 1 बोल जो है पुलाव ले सकते हैं, और उसके साथ कर्ड ले सकते हैं। कर्ड में जिंजर आपको घिस के डालना है, काला नमक डालना है। उसके अलावा आप कर्ड राइस ले सकते हैं, उसके साथ आप कोई वेजिटेबल, वेजिटेबल कोई भी सब्जी जो आपको अच्छी लगती है आप वो ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप राइस दाल ले सकते हैं, कोई वेजिटेबल ले सकते हैं, उसके साथ आप छाछ बना सकते हैं। छाछ के अंदर में आपको पुदीना और काली मिर्च और कुटा हुआ जो जीरा होता है वो मिक्स करके, और आपको वो छाछ बनाना है, जिसको कि बटर मिल्क कहते हैं, वो आपको लेना है। तो ये हो गया हमारा लंच। फिर 4, 4:30 बजे आपने ग्रीन टी जरूर लेना, उसके साथ आपको फ्रूट ले सकते हो, आप थोड़ा सा पॉपकॉर्न ले सकते हो, आप थोड़ा सा भुना हुआ मखाना ले सकते हो। अब आ जाते हैं हम डिनर पे। 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में आपको डिनर जरूर कर लेना है। तो डिनर के टाइम में सेम जैसे दिन में खाया, उसमें चावल की जगह पे आप रोटी कर देंगे, 1.5 रोटी खाएंगे, जिसमें कि आप पालक, बाथू, घी या कुछ भी मिक्स करके रोटी बना सकते हैं। उसके साथ जो भी आपके घर में वेजिटेबल बना हुआ है वो वेजिटेबल लेना है। शाम को कर्ड नहीं लेना है। सूरज ढलने के बाद
फ्रूट भी नहीं लेना है। और उसके साथ साथ रात में सोने से पहले जिनको डायबिटीज है वो लोग पानी में एक चुटकी पानी को बॉईल करें, उसके अंदर एक चुटकी जो है वो डालें हल्दी, उसके अंदर एक चुटकी डालें वो नटमेग जिसको जायफल कहते हैं, और 5-7 काजू को क्रश करके डालें। और जिनको डायबिटीज है वो ये वाटर लें, जिनको डायबिटीज नहीं है नॉर्मल है वो सब लोग हल्दी वाला दूध बनाएं। मैंने अपने वीडियो में हल्दी वाले दूध में ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैसे हल्दी का दूध बनाना है, तो हल्दी का दूध बनाएं और उसमें नटमेग डालें और काजू डालें। तो ये हो गया आपका पूरे दिन का, सुबह से लेकर रात तक का, 3 दिन तक लगातार आप जैसे ही करेंगे आपको ड्रास्टिक चेंजेस नजर आएंगे। 3 दिन के बाद आप बहुत लाइट फील करोगे, बॉडी रिलैक्स बहुत लगेगी, स्ट्रेस लेवल ही बॉडी में अगर बन गया तो वो हो जाएगा, थकावट लेथार्जी बहुत ज्यादा रह रही है तो वो सारी चीजें क्लीन हो जाएगी। और दिन के खाने में और रात के खाने में आपको एक एक मल्टीविटामिन जरूर लेनी है। मैं मल्टीविटामिन खाती हूँ, ये न्यूट्रलाइट का जो है ये खाती हूँ डेली के नाम से, जिसमें कि 13 विटामिन 11 मिनरल 100% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से बना हुआ है। पालक, गाजर, अजमोद आप देख भी पा रहे होंगे जैसे कि इसको, ये लेती हूँ। और इसको मैं दिन में भी एक बार ले रही हूँ और मैं रात में भी ले रही हूँ। तो आप ही अगर ये लेना चाहते हैं तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप इसको परचेज कर सकते हैं। और बाकी चीजें भी कैसे लेनी है वो सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो आप जरूर लाइक बटन को दबा दें। और 2 दिनों में मेरा न्यू वीडियो आने वाला है, बहुत 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 अमेजिंग टॉपिक पे आने वाला है, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम जिस प्रॉब्लम के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो आज की डेट में इंडिया का नंबर 1 प्रॉब्लम है। तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।